किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे और बेहद ही सस्ते जो 100% ऑर्गेनिक भी है फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि फंगस जनित रोगों को भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, साथ में जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं उनको भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेडी टू यूज बोर्डो मिक्सर के बारे में, यानी कि रेडीमेड बोर्डो मिक्सर के बारे में। जो किसान भाई बोर्डो मिक्सर घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट से जो रेडी टू यूज बोर्डो मिक्सर आता है, यानी कि रेडीमेड वाला, वो परचेज करके अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, मार्केट वाले की ये भी खास बात होती है कि जो हम घर पर तैयार करते हैं, जो मार्केट वाला है हमें उससे सस्ता पड़ जाता है, यानी कि घर वाले से और सस्ता पड़ जाता है जो मार्केट में से हम परचेज करते हैं, और जो हम बनाने का जो झंझट है हम उससे भी बच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रेडीमेड बोर्डो मिक्सर कौन कौन सी कंपनियों के, कौन कौन से ब्रांड नेम के अंदर मिल जाता है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है, कौन कौन से रोगों को ये अच्छे से काम करता है, इसका कॉम्बिनेशन हम करें या ना करें ये भी हम जानेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ब्रांड नेम में मिल जाता है, किन किन कंपनियों का। तो देखिए, ये मल्टी बोर्डो के नाम से मिल जाता है, मल्टीप्लेक्स कंपनी का। दूसरा टॉप बोर्डो प्लस के नाम से मिल जाता है हमें, बायोस्टेट कंपनी का, और भी अन्य कंपनियों के अदर ब्रांड नेम से मिल जाता है। तो आपके लिए जो भी ट्रस्टेड कंपनी है आप उसका परचेज करके और अपनी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें, कंटेंट की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो जो रेडी टू यूज जो हमारा बोर्डो मिक्सर आता है तो इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट देखने को मिल जाता है, जिसको हम नीला थोता भी कहते हैं, प्लस इसमें बुझा हुआ चूना होता है। तो जो क्योंकि इसमें कॉपर ये बेस्ड है, कॉपर आधारित है, तो जो कॉपर आधारित तो हमारे फंजीसाइड होते हैं तो वो बैक्टीरिया पर भी अच्छे से काम करते हैं और फंगस पर भी अच्छे से काम करते हैं। तो ये फंगस जनित रोगों को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया जनित रोगों को भी कंट्रोल करता है, और साथ में इसमें जो चूना होने के कारण हमारी फसलों को जो कैल्शियम तत्व की पूर्ति है वो भी हमारी फसलों में हो जाती है। कैल्शियम हमारी फसलों के लिए सेकेंडरी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, तो इसकी कमी के कारण जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जब कैल्शियम की कमी भी प्लांट के अंदर होती है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होती है, और प्लांट में कॉपर तत्व की भी कमी होती है, और ये हमारी फसलों पर फंगस को भी और बैक्टीरिया को भी बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। यदि हम फसलों की बात करें तो आप इसको किसी भी फसल पर उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसके रोगों की बात करें कि कौन कौन से रोगों पर ये अच्छा काम करता है, तो देखिए, डाउनी मिल्ड्यू पर ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। जहाँ पर हमारे अदर फंजीसाइड जो फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारा काम आता है बोर्डो मिक्सचर। तो ये आप डाउनी मिल्ड्यू के लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारा जो पाउडर मिल्ड्यू रोग देखने को मिलता है, पाउडर मिल्ड्यू को भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। लेट ब्लाइट डिजीज को भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, जो हमें टमाटर की फसल में और जो हमें आलू की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो लेट ब्लाइट के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एप्पल स्कैब हमें देखने को मिलता है सेब की फसल में, तो एप्पल स्कैब रोग को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। देखिए, इसके अंदर क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एक्शन पाए जाते हैं, यानी कि आपकी फसलों में रोग अभी नहीं आया है और आपको लगता है कि हर साल रोग आता है और एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो रहा है कि ये रोग हमारा डाउनी मिल्ड्यू या पाउडर मिल्ड्यू या लेट ब्लाइट आने वाला है, तो आप आने से पहले ही आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो ये रोग को नहीं आने देता है। और इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन भी होता है, यानी कि रोग आ चुका है तो आप इसका स्प्रे करते हैं तो रोग को क्योर करने का, ठीक करने का भी ये काम करता है। और ये 100% ऑर्गेनिक होता है, जो भी ऑर्गेनिक खेती फार्मर करते हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये इसकी अच्छी बात है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2.5 से लेकर 3 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें अपनी फसलों पर इसका स्प्रे लेना होता है। देखिए, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, यानी कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होता है। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो देखिए, इसकी जो हमें 1 लीटर की कीमत है, यानी कि 1 लीटर की जो पैकिंग की कीमत है, वो मात्र 180 से 200 रुपए पड़ती है, यानी कि बेहद ही सस्ता भी हमें देखने को मिल जाता है। तो कोई भी फार्मर इसका उपयोग कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, क्योंकि यह ऑर्गेनिक है 100%, और ये बहुत ही अच्छा भी है और हमारी फसलों में पोषण भी देता है, यानी कि कैल्शियम की और कॉपर तत्व की पूर्ति भी करता है और फंगस जनित रोगों को भी कंट्रोल करता है और बैक्टीरिया जनित रोगों को भी कंट्रोल करता है। यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, आप इसको इसका कॉम्बिनेशन ना ही करें,
तो काफी अच्छा है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में अदर इंसेक्टिसाइड के साथ, फंजीसाइड के साथ नहीं चलता है। जो मोस्ट ऑफ द फंजीसाइड है हम जो यूज करते हैं तो उनके साथ ये नहीं चलता है। तो आप इसको, यदि आपको ये यूज करना है तो आप इसको सिंगल ही यूज करें, यानी कि सेपरेट ही यूज करें, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो किसान भाई, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके।